जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन डेटिंग के विषय में। दोस्तों अगर आपको नई नई टेक्नोलॉजी जानना पसंद है, आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस या फिर आपको जानकारी लेना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कार्बन डेटिंग क्या होती है, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल आज के समय में कहाँ पर और क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर ये कार्बन डेटिंग क्या होती है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कार्बन डेटिंग है ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो, फिर चाहे वो कोई पेड़ हो, कोई चट्टान हो, कोई दीवार हो, कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कार्बन मौजूद है, इस प्रोसेस का यूज़ करके उसके अंदर कार्बन जो होता है उसको स्टडी करके ये पता लगाया जाता है कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि आपने कई बार सुना होगा कि आज से हजारों सालों पहले हमारे इस पृथ्वी पर डायनासोर्स रहते थे, डायनासोर्स का राज था। तो ये कैसे पता लगाया जाता है कि हजारों साल पहले डायनासोर्स रहते थे, कहाँ पर रहते थे, वो कितने बड़े थे, ये जानकारियाँ हमको हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कैसे इनको मिलती हैं। तो दोस्तों ये जो कार्बन डेटिंग है ये इसी का नतीजा है। दोस्तों कार्बन डेटिंग के अंदर होता क्या है कि मान के चलिए कोई जानवर है जो आज से हजारों साल पहले मर गया था और उसके जो अवशेष हैं, उसकी जो हड्डियां हैं, वो जमीन के नीचे गड़ गई। तो इससे होता क्या है कि जब हमारे साइंटिस्टों को वो अवशेष मिलते हैं तो उस अवशेष में अगर कार्बन है, उस जानवर के अंदर अगर कार्बन मौजूद है तो उस कार्बन को स्टडी किया जाता है। दोस्तों यहां पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे इस पृथ्वी पर, हमारे इस पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसके अंदर कार्बन हमारे तीन फॉर्म्स में, तीन अलग अलग स्वरूपों में पाया जाता है। सबसे पहला जो सबसे प्रचलित है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन 12 और कार्बन 12, और तीसरा हमारा है कार्बन 14। दोस्तों यहां पर उस जानवर के अंदर जो कार्बन मौजूद होगा, जो कि जिसकी हड्डियां या जिसके अवशेष हमारे साइंटिस्टों को मिले, उस हड्डियों के अंदर जो कार्बन है उसको स्टडी किया जाता है। कार्बन डेटिंग के अंदर बेसिकली कार्बन 14 और कार्बन 12 को यहां पर यूज किया जाता है। इसका जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसको स्टडी करके ये पता लगाया जाता है कि जो अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने हैं और उनको कितना समय हो गया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो प्राचीन मंदिर हैं, जो प्राचीन पेड़ हैं, जो महासागर हैं, ऐसा बताया जाता है कि आज से हजारों सालों पहले इनको बनाया गया था या फिर हजारों साल पहले वो पेड़ उगे थे। तो ये जो चीज़ पता की जाती है, इसका पूरा जो कह सकते हैं क्रेडिट जाता है, वो जाता है कार्बन डेटिंग को। दोस्तों हाल ही में भारत के अंदर अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा कि वाराणसी के अंदर जो ज्ञानवापी का जो केस चल रहा है, उसके अंदर जो वहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि उस चट्टान के या जो उस शिवलिंग है उसके अंदर जो अवशेष हैं वो कितने पुराने हैं। कार्बन डेटिंग का जो प्रोसेस है इसको फॉलो करके ये पता किया जा सकता है कि वो कितना पुराना वहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों यही है कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस कार्बन डेटिंग का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए।